बीच बीच में मेरे कुछ भाई बहन सब्जियों के वीडियोज की मांग रखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले किसी ने लिखा था कि मैं अपनी बालकनी की सब्जी की जो क्यारियां हैं उनका एक छत के ऊपर से वीडियो बनाऊं जिससे कि अच्छे से पूरा दिखे। पर आपको बता दूं, मैं अभी सब्जियों पे फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि छोटी बालकनी में और छोटे छोटे गमलों में इतना आसान नहीं होता है सब्जियों को उगाना। पर हाँ, मेरी बालकनी की कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको मैं चाहूँ ना चाहूँ ये कभी मेरा साथ नहीं छोड़ती हैं, जो बिना बीज के उगाई जा सकती हैं। तो अगर आपकी भी बालकनी है, छत नहीं है बहुत बड़ी, तो आप इन सब्जियों को एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। आप चाहेंगी भी तो भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ आज अपनी मुफ्त की सब्जियों के साथ। तो पहले नंबर पर मैं लेती हूँ अपनी नारी, सब पर भारी। आप इसको चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकते। अभी जून के महीने में मुझे लगा कि पूरा गमला साफ हो गया, शायद इस बार ये नारी हरी नहीं होगी, और मैंने इसका बीज भी नहीं रखा था क्योंकि 4 सालों के दौरान मुझे कभी बीज की ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे लगा इस बार की भयंकर गर्मी में ख़त्म हो गई, पर नहीं। मौसम बदलते ही देखिए इस नारी ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और पूरा गमला भर गया हरियाली से। दूसरे नंबर पर अपना ये लाल चौलाई, लाल साग, इसको भी आप चाह के भी ख़त्म नहीं कर सकते। इसमें इतने सारे बीज होते हैं ना कि चारों तरफ ये बीज बिखरते रहते हैं और अनचाहे ही बहुत सारे पौधे आपके गार्डन में हो जाते हैं। तो आप अगर इसको उखाड़ के फेंक भी देंगे ना तो भी आपके गार्डन में ये हमेशा कुछ न कुछ पौधे दिखाई देते रहेंगे। तो आप इन सागों को उगा सकते हैं अपने छोटे गमले में और छोटी बालकनी में। चलिए, तीसरे नंबर पर एक और अपना हरा साग है और इसको हम लोग बोलते हैं पोई, मालाबार स्पिनच। इसको भी आपको दोबारा कभी बोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये तीनों सब्जियां आप जो खाने के लिए मार्केट से लाते हैं उनके डंठल से उगा सकते हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बीज कहाँ से मिलेंगे। आपको बीजों पर पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से खाने के लिए एक बार लाएं और उनके डंठलों से एक बार उगा लें तो आजीवन आपको कभी दोबारा उगानी नहीं पड़ेगी। तो ये तीन हो गई अपनी पत्तेदार सब्जियाँ। चौथे नंबर पर मैं बात करूँगी अपने इस बैंगन की। बैंगन का पौधा भी कम से कम 3-4 साल आसानी से चलता है। अभी गर्मियों में पूरा का पूरा मैंने पौधा काट दिया था और इस बार मेरी बालकनी में कुछ ज़्यादा ही हाउसफुल हो गया है, जगह नहीं बची, तो मैंने बाकी के सारे पौधे हटा दिए थे, सिर्फ एक पौधा रखा था। अभी जून के महीने में ये सारा मैंने काट भी दिया था और अभी देखिए फिर से ये हरा भरा हुआ और अब फिर से अपना ये बैंगन देने के लिए तैयार है। तो बैंगन भी एक ऐसा पौधा है कि आपने एक बार लगाया तो कम से कम 4 साल तक तो आपका पौधा चलना ही चलना है। और एक आध बैंगन भी अगर आपका मिट्टी में गिर गया तो न जाने कितने सारे पौधे अपने आप उगते रहते हैं। तो बस यही है मेरी अपनी 4 सब्जियां जो मैं नहीं चाहती हूँ तो भी उगाती हैं। मुझे कहीं पर ये सोचना नहीं होता है कि इनके बीज खरीदने हैं या इनको उगाना है। इस बार तो मैं हल्दी भी नहीं बोना चाहती थी ये सोचकर कि कहीं अगर बीच में ही शिफ्टिंग का प्रोग्राम बन गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी इन बड़े बड़े गमलों को ले जाना। पर ऊपर वाला कभी कभी छप्पर फाड़ के देता है और देखिए हल्दी मेरी बिना इजाज़त के उगाई, मिट्टी में कुछ गांठें रह गई होंगी और ये कुछ पौधे उगाए। अब जब उगाए हैं तो इनको जीने देते हैं, आगे का आगे देखेंगे क्या करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और ये मुफ्त की सब्जियां आप भी उगाना चाहते हैं तो उगा लीजिए, इंजॉय करिए अपनी छोटी सी बालकनी में, छोटे छोटे गमलों में। धन्यवाद।